हाथरस में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं वह सरकार के खिलाफ कई सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री पूनम गुप्ता हमारे साथ है। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से हाथरस में जो घटना हुई है, हाथरस के बाद कई अन्य जिलों में भी घटनाएँ सुनने का हैं, बलरामपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, सपा किस नज़र से देख रही है? ऐसा है कि योगी राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बलात्कार जैसे मामले तो आम हो गए हैं। हमेशा ऐसी घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिल रही है, जैसे कि हाथरस में दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, सरकार इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। हम महिलाएं तो चिंतित हैं कि किस तरह से हम लोगों की सुरक्षा रहेगी इस सरकार में। मेरी मांग है सरकार से कि अगर वो महिलाओं के साथ अन्याय जैसे हो रहा है उनके राज में, महिलाओं की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस्तीफा दे दें अपने पद से। और मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार से कि वो हत्यारों के ऊपर कठोर से कठोर सज़ा सुनाएं और सख्त से सख्त कानून बनाएं ताकि आगे इस तरह की घटनाएं न हों महिलाओं के साथ, जैसे कि हम लोग अपने बेटियों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के लिए दूर दूर भेजना पड़ता है डिग्री लेने के लिए। तो ऐसी घटनाएं अगर हमारे प्रदेश में होंगी तो हम लोगों को घर में ही रहना पड़ेगा, महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मेरी विनती है योगी सरकार से कि अगर वो प्रदेश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। तो ये हैं हमारे साथ पूनम गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर योगी सरकार पर निशाना है, मुख्यमंत्री योगी पर निशाना है। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर योगी सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाती है तो कहीं ना कहीं उनको पद से अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से घटनाएँ हो रही हैं, हाथरस की घटना के बाद बलरामपुर की घटना सामने, बलरामपुर के बाद आजमगढ़ की जो घटनाएँ सामने आ रही, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक जरूर चिंता का विषय है। सक्षम न्यूज़ इंडिया के लिए शुभम गुप्ता, गोरखपुर।